वहीं करनाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सीएम मनोहर लाल का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। इस कड़ी में उन्होंने इंद्री विधानसभा के कई गांव में भव्य रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान मनोहर लाल ने जहां एक और विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत का भी दावा किया। एचसीएस की नौकरी में करोड़ों रुपए लोग खर्च करते थे और जब नौकरी पैसे देके लगेगा तो पैसे कहाँ से निकालेगा, कहाँ से निकालेगा? पब्लिक से चुप करके मांगेगा क्या, डंडा लेके? ठीक है ना। और वो भ्रष्टाचार रहेगा, हमने उस भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद कर दिए और अब कोई भ्रष्टाचारी मिल भी जाता है तो सलाखों में जेल में चला जाता है। अंदर छोटी बड़ी मछलियां भी फंस रही है, छोटे लोग भी जो इस प्रकार का करते हैं उनको भी छोड़ते नहीं। भाई बहनों, केवल जानकारी चाहिए, इस जानकारी के आधार पर करप्शन फ्री ये हरियाणा बनेगा। हमने हरियाणा में बहुत काम किए, मोदी जी ने देश में बहुत काम किए, तो आपसे अपील है कि 25 मई को आप लोग ज्यादा ज्यादा संख्या में अपना परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, किसान भाई, दुकानदार भाई, मजदूर भाई, सबके सब लोग अगर वोट डालेंगे तो निश्चित रूप से हाईएस्ट मार्जिन की ये सीट जो है ये चुनाव में जीतने को आपको भी खुश करेगी।